सोशल मीडिया जैसे ही खोलते हैं सबसे पहली चीज दिखती है, आज मैंने कैसे 1 करोड़ रुपए कमाया। आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते तो फिर दूसरा आता है, किस प्रकार से एक छोटे से घर से किसी व्यक्ति ने 5 करोड़ रुपए कमाए। थोड़ा और आगे जाते हैं, इंस्टाग्राम खोल लीजिए, यूट्यूब खोल लीजिए, फेसबुक खोल लीजिए, ट्विटर खोल लीजिए, तो पूरी दुनिया आपको ये बताना चाहती है कि मैंने 2 साल में कितना बनाया, 5 साल में कितना बनाया, 4 साल में कितना बनाया। हैरानी की बात है, ये वाली चीज केवल ट्रेडिंग में होती है। आप में से कुछ लोग तर्क वितर्क करोगे, लेकिन कोई बंदा बिजनेस चलाता है तो वो भी तो दिखाता है। तो भाई साहब, लिस्टेड कंपनी वाले ही पूरी दुनिया को दिखाते हैं, और वो भी बिकॉज इट इज मैंडेटरी एज अ रूल, उनको डिस्क्लोजर करना पड़ता है बिकॉज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है टुवर्ड्स स्टेक होल्डर। कभी आपने आपने गली नुक्कड़ के जो दुकानदार होते हैं, जो चौराहे पे बैठ के कोई सामान बेच रहे हैं, उनको कभी देखा है जो हर घर पे आके बता रहे हैं कि भाई मैंने पूरे साल भर में इतना कमाया उतना कमाया? ये तो बस सोशल मीडिया की नरेशन है जो अपने एक्ट्स को जस्टिफाई कर रहे हैं। लेकिन हमको इन चीज़ों पे बात नहीं करनी। कोई लोग बोलेंगे, पहले से ही जज कर लेंगे कि भैया अरे अभिषेक तू नेगेटिव बोलने आया। तो जितने लोग अगड़म पगड़म चगड़म चगड़म जैसा पहले ही जजमेंट बना लेते हो, आप लोग थोड़ा सा सबर करो, एंड तक देखो, बिकॉज ये एक बिगिनर, एक इंटरमीडिएट प्लेयर, एक कॉलेज स्टूडेंट, एक जॉब होल्डर, जो भी ट्रेडिंग में अपना करियर बनाना चाहता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो एंड तक जरूर देखेगा, बिकॉज मैं रिवील करने वाला हूँ डार्क साइड ऑफ करोड़पति ट्रेडर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है, आपको यह चीज समझनी पड़ेगी कि एक करोड़पति ट्रेडर्स जो स्पेसिफिकली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, एंड मैं एक अजम्पशन मान रहा हूं कि हर कोई है, हम आज के वीडियो में ये तर्क वितर्क कर ही नहीं रहे कि भैया ये फर्जी स्क्रीनशॉट है, ये वो है, वो वेरीफाइड करो, ये फलाने टाइम का, हम किसी बात ही नहीं कर रहे। हम ये अज्यूम कर रहे हैं जो भी व्यक्ति सोशल मीडिया पे है, जो बता रहा है कि वो दिन का 1 करोड़ कमा रहा है, महीने का 2 करोड़ कमा रहा है, 50 करोड़ कमा रहा है, वो हर कोई कमा रहा है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। पर पहली पॉइंट आपको समझनी पड़ेगी कि हर उस व्यक्ति का कुछ ना कुछ एडिशनल इनकम सोर्स है। चलिए कैसे, देखिए इनकम सोर्स भी ना 2 तरीकों में बढ़ता है, एक होता है स्किल बेस्ड होता है और रहता है नेटवर्क बेस्ड। चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्किल बेस्ड कैसे हो गया, जैसे मैं तो अपनी भी एग्जांपल लूंगा, अपन तो बिंदास बोलते हैं, जैसे हम ब्रांड्स, मेरे आपने अगर आप मेरे चैनल को काफी समय से फॉलो करते हो तो हम काफी सारे ब्रांड्स के साथ काम करते हैं। अब आप लोग बोलोगे अभिषेक भाई आप जितने ब्रांड्स के साथ काम करते हो ना, बड़े बड़े 2-2, 3-3 मिलियन वाले भी इतने ब्रांड्स के साथ नहीं करते, आप क्यों करते हो? क्योंकि कहीं ना कहीं ब्रांड को एक कोरिलेशन दिखता है, ब्रांड्स को लगता है कि हाँ अभिषेक हमारे मैसेज प्लस अपने मैसेज को अच्छे से कम्युनिकेट करता है, इसलिए ब्रांड्स है। तो वो मेरी कहीं ना कहीं स्किल है सही तरीके से। जैसे आप लोग भी कहते हो ना भैया आपके चैनल पर आके सिंपल तरीके से हम काफी कॉम्प्लेक्स चीजें समझ जाते हैं, साइकोलॉजी काफी समझ जाते हैं, तो ब्रांड्स इसलिए आती है। लाइकवाइज काफी सारे लोग हार्डकोर वर्कशॉप फिजिकल वाले ट्रेनिंग करते हैं, मैं भी ऑनलाइन हमारे ट्रेनिंग पीटीसी कोर्स और ऑप्शन का कोर्स लिंक डिस्क्रिप्शन पे रहता है हमेशा। कुछ लोग सर्विसेज चलाते हैं, सर्विसेज कैसे कि भाई हमने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसकी चार्ट एनालिसिस आप लोगों को महीने का 1000 रुपए दो, 2000 रुपए दो, ये होते स्किल बेस्ड। जैसे कि हमारे मित्र आबिद भाई वो सेंसिबल चला रहे हैं। सेंसिबल क्या है? सेंसिबल बेसिकली उनने स्किल बेसिस पे काफी अच्छी टेक्नोलॉजी बनाई जिसको वो लोगों को बेच रहे हैं। तो ये हो गया आपका स्किल बेस्ड, तो वो भी ट्रेड भी कर रहे हैं लेकिन वो चीजें बेच भी रहे हैं। लाइकवाइज तो सॉफ्टवेयर्स हो गया, ऐसे काफी सारे लोग हैं, अपना सिवा भाई भी कुछ बेच रहे हैं उनका, तो ये हो गया एक स्किल बेस्ड हो गया। लाइकवाइज होता है एक नेटवर्क बेस्ड, नेटवर्क बेस्ड इन द सेंस आपने काफी सारे ट्रेडर्स को देखा होगा, वो कहेंगे कि यार आप इस फॉरेक्स ब्रोकर में खोलो तो फिर आपको मैं अपने टेलीग्राम पे ऐड करूंगा, या फिर आप ब्रोकरेज करो मेरे इसमें ब्रोकिंग अकाउंट पे खोलो तो मैं आपको प्रीमियम ग्रुप में डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग खुद धन के साथ टाइड अप है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, तो वहां पर हम वैल्यू देने की कोशिश करें। इन द सेंस जो भी इधर से अकाउंट खोलता है उसको एक वैल्यू बेस्ड हम बेसिक लर्निंग का मॉड्यूल भी उसको प्रोवाइड करते हैं एड ऑन, और इसमें आपके जेब से कुछ नहीं जाता। तो अब आप बोलोगे कि अभिषेक भाई आप कहना क्या चाहते हो कि हर करोड़पति ट्रेडर का है? आप जाके उनके डिस्क्रिप्शन में देखिए, किसी का ऐप मिलेगा, किसी का आपको सर्विसेज मिलेंगी, और उसमें कुछ बुरा नहीं है। प्रॉब्लम ये है ना कि आप कोई दूसरा कोई सा भी प्रोफेशन ले लो, वहां पर कोई बंदा दूसरा 2 काम करता, आप उस पर सवाल उठाते हो, लेकिन ट्रेडिंग एक ऐसी दुनिया है जहां पर कि मजाल आपने ट्रेडिंग के अलावा कुछ कर लिया, खत्म। हर बंदा जो जॉब कर रहा है ना वो शाम को आके चाहता है कि अगर उसकी वाइफ अच्छा खाना बना रही है और घर का गुजारा इतने अच्छे पैसों से नहीं हो रहा, ही हिमसेल्फ वांट्स कि घर पे एक टिफिन सेंटर हम चालू कर लें। हर बंदा जो जॉब जा रहा है वो चाहता है कल ना कल मैं अपनी एक स्किल के थ्रू 1-2-3 एडिशनल बिजनेसेस खोल लूं। तो ट्रेडिंग में इसका पक्षपात क्यों? तो अगर कोई बंदा करोड़पति ट्रेडर है, वो चाहे ब्रांड्स कर रहा है, ट्रेनिंग्स कर रहा है, सर्विसेज दे रहा है, एज लॉन्ग एज दैट पर्सन इज गिविंग वैल्यू, ब्रोकरेज दे रहा है, एफिलिएट, इसमें कुछ बुरा नहीं है। लेकिन आपको समझना जरूरी है दैट ये चीज होती है बाजार में। तो
पहला डार्क साइड आप समझो, अगर आप एज्यूम करते हो कि हर बंदा जो आपको लाखों करोड़ों बना के दिखा रहा है वो कुछ नहीं कर रहा, उसके दो तीन चेक आप डिस्क्रिप्शन देखो, मैं तो ओपनली बोल रहा हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में भी काफी चीजें मिल जाएंगी, इसके साथ साथ आप काफी सारी दूसरी चीजें देखो, आप उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, कभी ना कभी वो इनडायरेक्टली कोई ना कोई चीजें प्रमोट करते ही हैं। तो पहली चीज ये हो गई। अच्छा, और बिकॉज धन की मैंने बात करी है तो धन में आपको ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स भी फ्री मिलते हैं, तो हम ऐसे भी नहीं कि कुछ भी हम आप लोगों को दे रहे हैं, जो चीज आपको वैलिड रहती है आप ऑप्शन चेन एनालिसिस कर सकते हो, ऑप्शन के काफी सारी चीजें, तो वो चीज हो गई पहली। दूसरी चीज है लक। इसको ना काफी डिबेट करके रखा हुआ है, लक जैसा तो कुछ होता नहीं है, लक जैसा तो कुछ होता नहीं है, किसने भैया किसने कहा लक जैसा कुछ नहीं होता। चलिए मैं बताता हूँ, लक को एक्चुअली ना डेफिनेशन ही गलत कर लिया लोगों ने, लक को गैम्बलिंग के साथ जोड़ लिया कि हाँ अगर आज हमने कुछ खरीदा और उसके बाद वो अचानक से कल डबल हो गया तो वो लक, ना 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 ना, मैं उस लक की बात ही नहीं कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जब मैं मार्केट में आया तब मेरे पास, मैं तो कहता हूँ मैं लकी था, बिकॉज मैं 15,000 रुपये में 15,000 रुपीज में ओवरनाइट फ्यूचर्स के लॉट कैरी कर सकता था। आज वही लॉट आपको अगर ओवरनाइट कैरी करना है तो 1.5 लाख रुपीज है, मतलब मेरे को 10 टाइम्स एडवांटेज मिला था। क्या मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी एंट्री एक लक के कारण हुई थी? क्या आप ये नहीं कहोगे कि आज से 4 साल पहले जितने लोग ऑप्शन सेलिंग में घुसे उनमें कुछ कुछ ब्रोकर 10 टाइम्स ब्रोकरेज दे रहे थे जिसके कारण उन्होंने अपना कैपिटल बड़ा कर लिया और आज बड़े रिस्क ले पा रहे हैं? क्या आप ये नहीं कहोगे 4-5 साल पहले जो है वो लकी थे? हाँ, कुछ लोग कहेंगे नहीं हमारा स्किल था, लेकिन मैं कहूंगा कि लेट्स नॉट अंडर एस्टिमेट। आपकी क्या प्रक्रिया कमेंट्स में जरूर बताना, लेकिन मैं कहूंगा कि भाई लक का भी एक इंपॉर्टेंट रोल था। काफी सारे लोग कहेंगे हम लकी नहीं थे, लेकिन उनको भी पता है कि उनको सबसे बड़ा ब्रेक कोविड के फॉल पे मिला था। कोई फ्यूचर शॉर्ट करके बैठा है, कोई पुट खरीद के बैठा है, कोई कॉल सेल करके बैठा है, डोंट यू थिंक वो एक बहुत बड़ा लक फैक्टर था? बिकॉज कोविड जैसा फॉल 10 साल में एक बार आता है, तो सही समय पे सही स्किल्स के साथ कोई अगर अवेलेबल था तो मैं कहूंगा कहीं ना कहीं लक है। क्यों आप ये कभी नहीं सोचते हो कि डैन जैंगर जिसने 10,000% का रिटर्न बनाया, वर्ल्ड रिकॉर्ड है उनके हाथ में 10,000% इन अ सिंगल ईयर, ये लेजिट वर्ल्ड रिकॉर्ड है, वो उस चीज को रेप्लीकेट क्यों नहीं कर पाए? पॉल ट्यूडर जोन्स जो ब्लैक फ्राइडे ब्लैक वेनसडे आया एक एक दिन में उनने 600 करोड़ 700 करोड़ कमाए, वो वापस रिपीट क्यों नहीं कर पाए छोटे कैपिटल से? हम जॉर्ज सोरोस की बात करते हैं, द मैन हु ब्रोक बैंक ऑफ इंग्लैंड, बाय द वे इन सारे लोगों के ऊपर इंस्पिरेशनल ट्रेडर्स वाली सीरीज देखो, प्लेलिस्ट अपने चैनल पे है, और स्कैम प्लेलिस्ट देखो, सारी चीजें इतनी बढ़िया डिटेल में मिलेंगी हेज फंड से लेके ये सारी चीजें। लेकिन पॉइंट मेरा है क्यों ये सारी चीजें बार बार खबर नहीं आती है, बिकॉज लेट्स फेस इट, हर बंदे का एक लकी ब्रेक होता है। किसी को बड़ा फॉल मिल गया उसके लाइफ टाइम में, किसी को ये, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको नहीं मिलेगा, आपको तैयार रहना पड़ेगा, लेकिन दिस इज वन ऑफ द डार्क साइड्स ऑफ ऑल द करोड़पति ट्रेडर्स, जो वो ओपनली नहीं कहते, वो हर चीज स्किल को देते। स्किल क्यों? मैं खुद कहता हूं कि मैंने मार्केट में सबसे ज्यादा फॉल्स में पैसा बनाया हुआ है 2021 के फॉल पे बनाया, 2020 के फॉल पे बनाया, 2019 के फॉल पे बनाया हुआ है, 2017 के 17 या 16 का फॉल था उस समय में, तो आई कैन नॉट डिनाई कि हाँ मैं सही समय पे सही जगह पर था, मेरे को उस तरह के फॉल मिले, और कोविड का जो फॉल मिला था उसने डेफिनेटली हमारे कैपिटल को एक दूसरे मल्टीफोल्ड पे लेके गया है जिन लोगों ने सही समय पे शॉर्ट किया, तो वी कैन नॉट डिनाई दिस थिंग। तो दूसरा पॉइंट जो आपको समझना है कि लक इज इंडीड वेरी इंपॉर्टेंट। तीसरा, मोस्टली आरंट करोड़पति एवरी ईयर टेक्निकली है। ये क्या कह रहा है अभिषेक? उसने तो दिखाया हर स्क्रीन पे 1.5 करोड़ रुपए बने हुए थे साल भर के, उसने तो दिखाया। ये सब होता है प्री टैक्स मेरे दोस्तों, प्री टैक्स प्री एक्सपेंसेस प्री एवरीथिंग। जब एक इंडिविजुअल व्यक्ति 5 करोड़ रुपए कमाता है तो सरचार्जेस और बाकी सारी चीजें लगने के बाद लेजिट वे में अगर वो गवर्नमेंट को पैसा देता है तो 42% गवर्नमेंट ले जाती है। इसलिए ये डिबेट चलता रहता है कि कॉर्पोरेट अकाउंट खोलो ताकि 26% लगे, 1 करोड़ के ऊपर एक अलग सरचार्ज रहता है, 5 करोड़ के प्रॉफिट, ये हम सबको ही दुख पता है भैया जब ऑडिट पे जाते हैं ना हमारे बुक्स, तो हमको ये चीज पता है। तो स्वाभाविक सी बात है टेक्निकली जितने करोड़ आपको दिख रहे हैं उसमें ब्रोकरेज नहीं रहता, उसमें एसटीटी नहीं रहता, उसमें काफी सारी चीजें मिसिंग रहती है, उसमें इनकम टैक्स नहीं रहता, उसमें ये चीज नहीं रहती कि आपकी एक्सपेंडिंग पावर कितनी जा रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति दिखा रहा है कि वो प्रॉप डेस्क के अकाउंट पे प्रॉप डेस्क में काम कर करके वो साल का 10 करोड़ कमा रहा है, तो उसको ये भी समझना है प्रॉप डेस्क का मैनेजमेंट, प्रॉप डेस्क के सॉफ्टवेयर, प्रॉप डेस्क का एक्सपेंसेस, इनकम टैक्स, सरचार्ज, जीएसटी, दुनिया भर की चीजें लगती है। तो वह टेक्निकली उतना ज्यादा पैसा नहीं होता है अगर आप जिस हिसाब से समझ रहे हैं, बट हाँ वहीं पर अगर कोई शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन करता है तो आपको भी पता है वो 10% के हिसाब से लगता है। दैट इज वन ऑफ द रीजंस मेरे दोस्तों, एक बार कैपिटल थोड़ा बड़ा बन जाए इसलिए बड़े बड़े जो ट्रेडर्स रहते हैं वो इन्वेस्टर्स बनने में तब्दील होते हैं। काफी सारे लोग आज भी एरोगेंट होकर कहते हैं सोशल मीडिया पर कि नहीं भैया मैं तो जीवन भर अपना यही करूंगा, क्या बोलते हैं, ट्रेडिंग करूंगा। जब बड़ा बड़ा कैपिटल होता है लिक्विडिटी और स्लिपेजेस का इशू होता है ना, इवेंचुअली समझदारी है, शांति से बैठो, इन्वेस्ट पे करो, एंड दैट इज वाई मेरा एक अलग से पोर्टफोलियो चलता है इन सारी चीजों का।
अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कीजिए ताकि इस तरह के तर्क वितर्क करने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस आपसे मिस आउट ना हो जाए। नेक्स्ट, ये और एक डार्क साइड है। आप जाते हो सोशल मीडिया पे, किसी को फॉलो करते हो और आप सोचते हो कि यार इस बंदे की स्टाइल को ही मैं फॉलो करके, बिकॉज ये मेरे गुरु हैं, यही एग्जैक्ट यही स्टाइल जो आज ये कर रहे हैं यही करके मैं पैसा बनाऊंगा। अच्छा वो प्राइस एक्शन कर रहा था, मैं प्राइस एक्शन बनाऊंगा। फिबोनाची से कर रहे हैं, फिबोनाची करूंगा। ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन से कर रहा था, मैं इससे करूंगा, जो बिल्कुल गलत है। बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज करोड़पति ट्रेडर्स डोंट स्टिक टू द सेम स्टाइल विथ विच दे स्टार्टेड। जिस स्टाइल से ये लोग शुरुआत करते हैं उसके साथ ये लाइफ टाइम स्टिक नहीं करते। मेरा एग्जाम्पल लो, मैंने अपने करियर की स्टार्टिंग फ्यूचर ट्रेडिंग से करी है। करीब 5.5-6 साल तो मैंने फ्यूचर्स ही किया हुआ है। क्यों? क्योंकि तब एसटीटी ज्यादा नहीं था, मेरे को मार्जिन जैसे मैंने बताया काफी अच्छा खासा मिलता था और मेरा कमांड बहुत अच्छा था। बाद में पता लगा जब टैक्सेस का थोड़ा सा बड़ा तो फिर मेरे को लगा कि सिंथेटिक ऑप्शंस पे जाते हैं, ऑप्शंस पे गए। फिर उसके बाद 2018 के बाद जब ऑप्शन सेलिंग वीकलीज आ गए तो थोड़ा बहुत हम वहां पर ऑप्शन सेलिंग पे गए। लाइकवाइज आप देखोगे काफी सारे लोग जिनने कोरोना के फॉल पे वो उस समय पे या तो फ्यूचर या ऑप्शन बायर थे, वो सर्टनली वो चेंज हो गए ऑप्शन सेलर पे। काफी सारे आज के समय पर जो ऑप्शन बायर है उन्होंने स्टार्टिंग स्टॉक स्पेसिफिक से करी थी। पॉइंट में क्या कह रहा हूं कि आज आप किसी की स्टाइल को कॉपी कर रहे हो, इंस्पायर जरूर हो, स्टाइल को कॉपी कर रहे हो ये सोच के कि आगे भी चल के इनकी यही स्टाइल चलेगी तो मुझे भी पैसा बनेगा। नहीं, हर ट्रेडर अपनी जर्नी में इवॉल्व होता है, आपको भी इवॉल्व होना जरूरी है और उसमें कुछ गलत नहीं है। आप स्लोली स्लोली इस चीज पर इग्नोर करो। एंड फाइनली ये और एक शॉकिंग, मेजॉरिटी, ऑल नहीं कह रहा हूं, मेजॉरिटी ऑफ द करोड़पति ट्रेडर्स, मेजॉरिटी, मैं 100 में से कह रहा हूं 95 वो इवेंचुअली ऑप्शन सेलर्स बन जाते हैं। क्यों? क्योंकि मार्जिन की कमी नहीं रहती है उनके पास, दूसरा सेफ्टी चाहिए रहता, बड़े कैपिटल में कंपाउंडिंग करना आसान रहता है ऑप्शन सेलिंग से। ये मेन रीजन होते हैं जिसके कारण एट द एंड आप जितना भी कह लो मेजॉरिटी वो 5 रहेंगे जो ऑप्शन बाय करेंगे, 95 ऑप्शन सेलिंग और उसके आगे इन्वेस्टर बन जाते हैं। तो ये सोचना कि करोड़पति ट्रेडर उसी लेवल पे करोड़पति बनाते रहेगा हर ईयर ऑन ईयर वो गलत होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अगर स्टाइल चेंज करेंगे तो उनका एग्रेशन कम हो जाएगा, रिस्क कम हो जाएगा और रिटर्न उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा कम होगा। इसलिए आपने देखा होगा आज से 2-3 साल पहले जो लोग बड़े बड़े करोड़ों करोड़ों की चीजें बात करते थे वो आजकल थोड़ा कम कर दिए। तो आशा करता हूं आज के इस वीडियो से आपको समझ में आएगा द डार्क साइड ऑफ करोड़पति ट्रेडर्स। इस तरह के वीडियोस और चाहिए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में धन का लिंक मिलेगा, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।